हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैट कैम सोल्यूशन। हमेशा की तरह इस बार भी मिले गए हम आपके लिए एक नया वीडियो ट्यूटोरियल एनएक्स कैट की एक डिज़ाइनिंग, जिसमें हम लोग ये पुली बनाने वाले हैं। और इस पुली का ये क्रॉस सेक्शन व्यू दे रखा है और कुछ डायमेंशन यहाँ पर दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्रॉस सेक्शन व्यू से। और इस वाले व्यू से मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, वैसे 36 कैट आया है तो इसको मैं थोड़ा एनलार्ज कर लेता हूँ और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं एक लाइन लेता हूँ और लाइन कुछ ऊपर तक बनाते हैं। और लाइन लेने के बाद ये है 290 का हाफ, 290 का हाफ ही हो गया। इससे मुझे एक थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि कहाँ तक मेरे को वर्क करना है। और यहाँ से हम लेते हैं एक आर्क, और आर्क लेके मैंने स्टार्ट किया इस टाइप की आर्क का गई। और इस लाइन को मैं सेलेक्ट करके रिफ्रेंस में कन्वर्ट कर देता हूँ। और यहाँ से लेते हैं एक लाइन, थोड़ा सा नीचे चलेंगे, इधर जाइए और ऊपर मिला दीजिए। फिर लेते हैं एक यहाँ पे सर्कल और एक सर्कल ये बनाए। अब आप इसे जूम करिए, जूम करके ये गैप 290 - 76 तो ये हो गया 14 का हाफ हो जाएगा 7, तो ये गैप है 7 का और इधर भी 7। और 7 के बाद मुझे चाहिए ये 65, तो ये वाला जो गैप है ये 65 रहना है, 65 आ गया। और ये बीच का जो है इसको मैं करता हूँ कट, ये नहीं चाहिए शेप क्योंकि इस टाइप की आ रही है कुछ ये। और 276 जो है इस वाले डायमेंशन के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ और इस सेंटर से ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये लेते हैं और ये होना है 276 आया नहीं है अभी, क्लिक ऑलरेडी है कह रहा है, तो ये वाला है शायद 276/2। तो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो इसे डिलीट कर देते हैं। तो इस वाली डायमेंशन की वजह से शायद ये आ रहा है। और अभी हम देख लेंगे फिर से एक बार। और इसके बाद बीच में 12 है, यहाँ पे 18 आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। फिर ये नीचे का चाहिए पोर्शन, तो एक लाइन लेते हैं और इधर तक क्लिक। और एक सर्कल ऊपर वाला कुछ 12 का है, नीचे वाला ये जो है ये 12 का डाया 6 का ये हो गया। और ये वाला जो है इसे डबल क्लिक किया और ये होना 18 का डाया 9 का रेडियस, सॉरी ये 18 ही है डायमीटर में, ये वैल्यू 18 ऊपर वाला रेडियस था। और इसका सेंटर 0 मैच हो गया। और यहाँ का गैप है, यहाँ से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लेते हैं और ये 80 का हाफ हो जाएगा 40 के बाद ये 65 है, इसे भी डिफाइन कर दीजिए और ये 65/2 सब डिफाइन हो गया। ये है विड्थ, इधर 36 था और ये 80, तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा मैच कर लीजिए 80
माइनस 36, 44 और 44 का हाफ 22, तो ये बैठेगा आपका 22, 22 का एक हाफ आ गया। वन ऑटो कंस्टेंट के बाद ये पूरा कंस्टेंट हो रहा है, वन ऑटो कंस्टेंट है। अब पहले ट्रिम कर लेता हूँ मैं, ये भी गया और ये भी गया, ये कट हो गया है और ये गैप डबल क्लिक 23.5 भी आएगा क्लोज। डिफाइन कर दिया, एक डायमेंशन जो है वो ये वाली आ रही है जो कि 25.5 आएगा, ठीक है। अभी भी नहीं, ये गलत लग रहा है, तो इसको डिलीट करके इस पॉइंट को इस लाइन के साथ कांस्टेंट कर देता हूँ, हट जाएगा। स्केच फुल्ली कांस्टेंट हो चुका है और इस रेडियस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डायमेंशन हमने कर दिए पूरे। एक एक्सेस के लिए अगर लेना चाहते तो ले लीजिए, नहीं तो हम इसे फिनिश करते हैं और यहाँ से जाके हम करेंगे रिवॉल्व, पूरे का रिवॉल्व करेंगे अबाउट दिस एक्सेस और ओरिजिन पॉइंट ये वाला और 360 के बाद ओके। ये हमारा हाफ बन गया है। अब बात आती है इस वाले कर्व की, इस कर्व के लिए हमें लेना पड़ेगा सामने वाला प्लेन आ गया और फिर ये क्योंकि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट तो है नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेते हैं एक एसपी लाइन, स्टूडियो एसपी लाइन लीजिए और क्लिक करते हैं। मिडल शो नहीं हो रहा लेकिन बनाना बीच से ही, क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फिर इनके बीच में कुछ यहाँ तक। अब पॉइंट को आप ड्रैग कर सकते हो जैसी आपकी शेप है उसके अकॉर्डिंग। ये पॉइंट को क्लिक किया ठीक है, कुछ इस टाइप की शेप आ रही है, इसकी डायमेंशन दे दी हुई है और इसे कर दीजिए फिनिश। और यहाँ पे 20 का है और नीचे 18 का, तो दो क्रॉस सेक्शन चाहिए, एक 20 वाला ऊपर की तरफ और एक 18 वाला 20 का डाया। तो ये 20 इधर से है, इधर से 12 और 18, तो ये एक इलिप्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा एक प्लेन, क्लिक करिए और हैंड पे लेके जाते हैं ओके और इस पर जाके स्केच करेंगे ओके। अभी हमें शो नहीं हो रहा तो उसके लिए मेरे पास तरीका है, आप व्यू में जाके सेक्शन और न्यू सेक्शन करिए और सेक्शन पे कौन सा चाहिए ये वाला और ओके, तो हमें हाफ सेक्शन व्यू शो भी हो गया। और यहाँ से जाके मुझे एलिप्स चाहिए तो आप एलिप्स लेंगे, क्लिक कीजिए, एंगल हमें चाहिए 0 का और इधर से हमें चाहिए और टॉप पे 12 का हाफ 6 और इधर 10 का हाफ 20 का हाफ 10, इस स्टेप से हमारा आ जाएगा और करिए ओके। एक बार चेक कर लीजिए, ये यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा बाहर जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको अभी ठीक कर लेंगे बाद में। फिर यहाँ से फिनिश करिए, एक क्रॉस सेक्शन ये हो गया। सेकंड क्रॉस सेक्शन के लिए प्लेन स्केच में जाएंगे, पहले प्लेन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो व्यू में जाके सेक्शन को हम हटाए दें, सेक्शन हट गया, एक नया प्लेन लीजिए और वो भी लेना पड़ेगा हमें नॉर्मल टू कर्व, क्लिक करिए कर्व कौन सा था, कर्व ये था और इसके एंड पॉइंट पे लेके जाइए यहाँ पे और ओके। और इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे स्केच और ये वाला प्लेन है और क्लिक, शो नहीं हो रहा तो सेम वही दोबारा से रिपीट करते हैं सेक्शन में जाके न्यू सेक्शन
और यहीं से तरफ आ गया और ओके। और बनाना कहाँ पे है, कुछ शो हो नहीं रहा, यहाँ पे है, तो एप्स को लेते हैं और क्लिक किया। तो राइट क्लिक करिए और यहाँ से ओरिएंट व्यू स्केच। तो हमें यहाँ से चाहिए मेज़र, ये तो 10 ठीक है हमारा। इधर से चाहिए हमें 9 और इधर से 10, इधर से 9 चाहिए और इधर से चाहिए 10 और ओके। फिनिश। और ये जो है सेक्शन को हम हटा देते हैं, ये दो क्रॉस सेक्शन हमारे पास आ गए। एक बार सेव करना चाहते हैं, सेव कर लेते हैं। अब इसके बाद हम जो कर्व्स बनाए हैं इन कर्व्स को मिला देते हैं। तो उसके लिए मैं लेता हूँ यहाँ से स्वैप, और स्वैप में मेरा फर्स्ट कर्व तो ये हो गया। एंड अनदर कर्व से पहले वायर फ्रेम में करता हूँ मैं, सेकंड कर्व ये हो गया और ये हमारा गाइड हो गया। और इसे रिवर्स करता हूँ तो थोड़ा ठीक आ जाएगा। और शेडिंग अब देखिए ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। तो यहाँ से ओरिएंटेशन में जाके मैं एट ए पॉइंट लेके पॉइंट डिफाइन करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। रिवर्स करें, ये अभी ठीक नहीं आ रहा, तो मैं फिक्स लेता हूँ। और फिक्स से कुछ ऐसा आ रहा है, पर हम एक पॉइंट लेते हैं और पॉइंट क्लिक करते हैं नीचे वाले पेज पर, तो कुछ ही अब ठीक आ गया है। ओके, तो शेप हमारी आ गई है और ये दोनों अभी जॉइन नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा यूनाइट इसको और इसको यूनाइट कर देते हैं। यूनाइट के बाद हमारे पास पैटर्न है, पैटर्न में गए और फीचर है हमारे पास ये और सर्कुलर वेक्टर क्लिक एक्सेस और काउंट 4, पिच एंगल 90 का और ओके। ये कुछ इस टाइप से हमारा बन के आ जाएगा। उसको भी देख लेते हैं ड्राइंग को भी, ड्राइंग हमारी कुछ ऐसी आ रही है। एक की बचा हुआ है, कीवे बनाना है, कीवे कट करके बना सकते हैं। ये हमारा क्रॉस सेक्शन वगैरह है। तो हो फ्रेंड्स, आपको ये ट्यूटोरियल मेरा प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कैसे आप इस पुल को बना सकते हैं। और व्यू में जाके पुल ले सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं एक बार फिर।